हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर 500 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, वो भी पांच पार्ट के अंदर। 100-100 करके क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एडिशनल काफ़ी बातें बताऊंगी, तो वो भी आप सुनते जाना। अगर आपका SSC GD का एग्जाम है, रेलवे में JEE का एग्जाम है, या हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का एग्जाम है, किसी भी लेवल का एग्जाम है, ये क्वेश्चन आपको उस एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपने मेरी डेली GK डोज वाली शाम वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने 10-10 करके क्वेश्चन कवर कराए हैं, तो जो स्टूडेंट वो वीडियो देख चुके हैं वो रिवाइज कर सकते हैं कि 100 में से आपके कितने सही है। अगर आपके 100 में से 100 सही है, हम 99 भी नहीं लेंगे, अगर आपके 100 में से 100 सही है, अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपने दिल से मेहनत की है। लेकिन अगर आपके कम सही है तो आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा से रीड करने हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और जो हमारे चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं, हम इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कूनो वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया गया है, यह है किस राज्य में है? तो कूनो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य के अंदर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। जितने भी राज्य आएंगे मैं साथ साथ में उनकी कैपिटल जरूर बोलूंगी ताकि वीडियो के एंड तक आपको कैपिटल याद हो जाए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1 और 3 दोनों। ठीक है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है पूरे देश में जैसे युद्ध वगैरह होते हैं उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल का मतलब होता है राज्यों में लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति आपातकाल को राज्यपाल शासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्यपाल आपातकाल के नाम से भी बोल सकते हो आप। अगर किसी भी देश किसी भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री वगैरह नहीं है या चुनाव होने में कोई टाइम है तो वहां पर राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है। और वित्तीय आपातकाल, अगर किसी भी चीज के लिए पैसे की कमी हो जाए तो वहां पर वित्तीय आपातकाल लगता है। तो अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। आपको याद रखना है कौन सा आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया, तो आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। जो क्वेश्चन एडिशनल बता रही हूं वो जरूर सुनते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में लोकसभा सीटें कितनी है? तो मणिपुर के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है? 2। अगर राज्यसभा सीटें पूछे तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, और मणिपुर के अंदर टोटल जिले पूछे तो आंसर आएगा 16। मणिपुर में लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और टोटल जिले कितने हैं? 16। तो मणिपुर का DLR कोड, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा का कोड क्या हो गया? 1621। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फोल। साथ साथ में कैपिटल जरूर याद करनी है आपको। नेक्स्ट है, जापान की संसद, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और चाइना की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना, जो अलग किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और तेलंगाना बना कब था? 2 जून 2014 को बना था, याद रखना, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर हमारा 29वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .GIF किसकी एक्सटेंशन है? तो .GIF एक्सटेंशन है इमेज की। .GIF किसकी एक्सटेंशन है? इमेज की या फिर बिटमैप इमेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 से पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो 1 नवंबर 1966 से पहले थे 6 और 1 नवंबर 1966 को बना था चंडीगढ़, तो अब कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश? 7। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में एरर को बोला जाता है बग और एरर को दूर करने को बोला जाता है डीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछे तो आंसर आएगा गोवा, सबसे बड़ा पूछे तो आंसर आएगा राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। गोवा की राजधानी है पणजी, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? अब मैं जब डेली GK डोज वाली वीडियो आप लोगों को देती हूँ तो एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो वही वीडियो मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको और एक साथ 100 क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। सुन लेना आप और नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का अनुच्छेद क्या है? 153। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? 153 में है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 52। उपराष्ट्रपति का कौन सा है? 63। और प्रधानमंत्री का कौन सा है? 74। याद रखना चारों के चारों अनुच्छेद। 52 है राष्ट्रपति का, 63 है उपराष्ट्रपति का, 74 है प्रधानमंत्री का, और 153 है राज्यपाल का। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 की एक्सटेंशन क्या है? ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 2007 पूछे, 10 पूछे, कोई भी वर्जन पूछे 2003 के बाद का, तो उसकी एक्सटेंशन एमएस वर्ड की क्या है? डॉट DOCX। एक्सेल की पूछे तो डॉट XLSX, और पावर पॉइंट की पूछे तो डॉट PPTX। लेकिन अगर 2003 की पूछे तो इसके आगे से एक्स हटा देना, मतलब डॉट DOC हो जाएगा। एक्सेल की पूछे तो डॉट XLS हो जाएगा, एक्स नहीं लगेगा फिर। और पावर पॉइंट की पूछे तो डॉट PPT हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और करेंसी क्या है? धीरम। दोनों याद रखना। नेक्स्ट है, उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उकाई बांध बनाया गया है ताप्ती नदी पर, और है कहाँ पर? ये गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल में लोकसभा सीटें कितनी है? तो केरल में लोकसभा सीटें हैं 20। राज्यसभा सीटें कितनी है? 9। और केरल में जिले कितने हैं? 14। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? अभी आया था, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। याद रखना। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुंभलगढ़ है राजस्थान में, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद है गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, और जनसंख्या के हिसाब से लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। याद रखना, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और RBI का भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। और कितनी मीटिंग आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 11। 11 बार मीटिंग हुई थी, 11 बार बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके बाद ही संविधान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 12। अगर अब पूछे कितनी, अब कितनी है? 12। और पहले मूल संविधान में अनुसूचियां पूछे तो आंसर आ जाएगा 8। कंप्यूटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो किस की का यूज किया जाता है? होम की का। और एंड में जाना है तो किस की का यूज करेंगे? एंड की का। अगर आपने और भी डिटेल से करना है तो आप शाम को जो मिशन गवर्नमेंट जॉब पर 7 बजे वीडियो आती है वो वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने और डिटेल से ये सारी चीजें बताई है, और डेली मैं 10 क्वेश्चन कवर कराती हूँ आपको वहां पे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52। लोकसभा सीटें कितनी है? 29। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? बरकर नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 30 जनवरी को मनाया जाता है एंटी लेप्रोसी डे या फिर शहीदी दिवस। नेक्स्ट है, दुर्गापुर बैराज किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आएगा नील। और सबसे चौड़ी पूछे या बड़ी पूछे तो आंसर आ जाएगा अमेजन। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पर हम 5 सितंबर को भारत के अंदर टीचर डे मनाते हैं। उसके बाद है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22। और जब बना था तब कितने भाग थे? वर्तमान वर्तमान में कितने हैं? 25। और जब बना था तब कितने भाग थे? 22।
भारतीय संविधान के किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? तो कौन से भाग को समाप्त कर दिया गया है? सातवें भाग को समाप्त कर दिया गया है। और कौन सा संशोधन था? सातवां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? ओएसआई मॉडल का मतलब है जब हम किसी को मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो वो मैसेज कितनी लेयर से होके जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 2000 के नोट का साइज क्या है? तो उसका साइज है 66 × 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदरपुरी बैराज भारत के राज्य बिहार में रोहतास जिले के अंदर है, किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? सोन नदी के ऊपर है। अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? किसी भी नेशनल पार्क के एंड में शोला आ जाए तो वो नेशनल पार्क कहाँ होगा? हमारा केरल के अंदर होगा। तो अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क भारत के राज्य केरल में है और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। और तुर्की की करेंसी क्या है? तो तुर्की की करेंसी है लीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी RBI, SBI और CBI, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और मैक्सिमम, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? मिनिमम आयु 35 साल। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1024। नर नारायण गुफा भारत के 17वें राज्य हरियाणा के 22 जिलों में से किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोस्ताल झील भारत के किस राज्य में है? तो भोस्ताल झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना, राज्यसभा के पहले सभापति और देश के उपराष्ट्रपति दोनों एक ही थे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर पूछे कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो SV कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा Washington DC। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Washington DC। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा पूछे तो अंडमान एंड निकोबार। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पूछे तो दिल्ली, और सबसे छोटा पूछे तो आंसर आएगा लक्षद्वीप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो आंसर हो जाएगा जापान। 2000 के नोट का कलर क्या है? तो इसका आंसर होगा मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो संसद का उल्लेख है 79 में, लोकसभा का उल्लेख है 81 में, राज्यसभा का उल्लेख है 80 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख है 52 में। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आंसर आएगा केरल। मुकुट मणिपुर बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पतोरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोक नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतोरा बांध किस राज्य में है? तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB में कितने KB होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024। युद्ध अभ्यास एक आर्मी एक्सरसाइज है, ये भारत और किस देश के बीच होती है? तो ये होती है अमेरिका यानी कि USA के बीच। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र प्ले करते थे? तो इसका आंसर है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूरंट कप किस खेल में दिया जाता है? तो डूरंट कप दिया जाता है फुटबॉल में। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। कतर की मुद्रा क्या है? तो कतर की राजधानी है दोहा, और कतर की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं वित्त सचिव के, और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर होते हैं RBI के गवर्नर के। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हेजा रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव की करेंसी क्या है? रुपी। देवताल झील भारत के किस राज्य में है? तो देवताल झील है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मैं फास्ट फास्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये आपको पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर मैं ये इकट्ठी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों की रिविजन हो जाए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमुंडसेन। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई।
पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बिट। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले राष्ट्रपति अध्यादेश की अवधि कितने समय तक लागू रह सकती है? मतलब अगर राष्ट्रपति कानून बना दे तो वो कितने टाइम तक एप्लीकेबल रहेगा? 6 महीने तक। आगा खा कब किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हॉकी के अंदर। किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने का अधिकार किसे होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। रेगूड किसका नाम है? तो ये है काली मिट्टी का। NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी है साना, और यमन की मुद्रा क्या है? तो वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देना बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देना बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। और बाबरनामा किसने लिखी? तो वो भी लिखी है बाबर ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। RBI का लेखा वर्ष कौन सा है? तो RBI का लेखा वर्ष है जुलाई से लेके जून तक। नॉर्मल होता है अप्रैल से लेके मार्च तक, लेकिन RBI का होता है जुलाई से लेके जून तक। भारत में बीमा व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी IRDAI। अगला है, अर्थ डे कब आता है? तो अर्थ डे आता है हर साल 22 अप्रैल को। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स में कौन सा आता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। आगरा किस नदी के तट पर है? तो आगरा है यमुना नदी के तट पर, और दिल्ली भी है यमुना नदी के तट पर। अगला है, हीराकुंड डैम भारत के किस राज्य में है? तो हीराकुंड डैम किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर है और महानदी पर है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है F12। और IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो IDBI का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूछा है, तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट जरूर करना। और वीडियो अगर पसंद आती है और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैंने 100 से ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करना। थैंक यू।